नमस्कार, nishamadhulika.com में आपका स्वागत है। आज हम पालक के पराठे बनाएंगे। पालक के पराठे दो प्रकार से बनाए जाते हैं। एक तो पालक को आटे में डालकर आटा गूंथ कर पराठे बना लें, और दूसरा आटा सादा गूंथें और पालक की स्टफिंग बनाएं, आटे में भरें और पालक के भरवा पराठे बनाएं। दोनों प्रकार के पराठे बहुत अच्छे बनते हैं। आज हम पालक को आटे में मिलाकर आटा गूंथ कर पराठे बनाएंगे। बहुत ही स्वादिष्ट पराठे बनेंगे। तो आइए पालक के पराठे बनाना शुरू करते हैं। तो पालक के पराठे बनाने के लिए सबसे पहले हम आटा गूंथ कर तैयार करेंगे। ये हमने 2 कप गेहूं का आटा लिया है, 300 ग्राम आटा है, और आटे में हम पालक मिलाएंगे। हमने 200 ग्राम पालक लिया, मोटी डंडियां हटा दी, पत्ते निकाल लिए और पत्तों को अच्छी तरीके से 2-3 बार धोया, छलनी में रखा, पानी सूखने तक सुखा लिया। इसके बाद पालक को बारीक काट करके तैयार कर लिया। तो ये बारीक कटा हुआ पालक है, पालक को हम आटे में डाल देंगे। 1/4 छोटी चम्मच जीरा डाल देते हैं और 1/2 छोटी चम्मच अदरक का पेस्ट। 1 हरी मिर्च को हमने बारीक काट लिया है और नमक डाल देते हैं, और 2 छोटे चम्मच तेल डालेंगे। सारी चीज़ों को मिलाएंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर थोड़ा सा सख्त आटा, मतलब कि जैसा हम चपाती के लिए आटा लगाते हैं, उससे थोड़ा सा सख्त आटा गूंथेंगे। हमने आटे में अदरक और हरी मिर्च डाली है। हम थोड़ा मसाले वाले पराठे बना रहे हैं, लेकिन अगर आप बच्चों के लिए पराठे बना रहे हैं और उन्हें तीखा बिल्कुल पसंद नहीं है, तब आप बिना हरी मिर्च और बिना अदरक के भी ये पराठे बना सकते हैं। नमक और जीरा डालकर बहुत अच्छे पराठे बनते हैं। ये आटा हमने गूंथ कर तैयार कर लिया। थोड़ा सख्त आटा लगाया है, और इतना आटा लगाने में 1 कप से कम पानी लगा है, करीब 2-3 टेबल स्पून पानी बच गया है। आटे को ढककर 20 मिनट के लिए रख देंगे, आटा सेट हो जाएगा। इसके बाद पराठे बनाएंगे। 20 मिनट हो गए हैं, आटा भी सेट हो गया है, तो अब हम आटे से पराठे बनाएंगे। तो थोड़ा सा तेल हम हाथ पर लेंगे और हाथ को चिकना करेंगे और आटे को थोड़ा सा मसल कर चिकना करेंगे। ये आटा हमारा तैयार हो गया और अब हम पराठे बनाएंगे। तवा गर्म कर लेते हैं पराठे बनाने के लिए, और आटे में से थोड़ा सा आटा तोड़ेंगे। पराठे हम अपनी पसंद के अनुसार थोड़े से बड़े, थोड़े से छोटे, जैसे चाहें बना सकते हैं, और गोल लोई बनाकर तैयार करेंगे। लोई को सूखे आटे में लपेटेंगे और 3-4 इंच के व्यास में बेलेंगे। थोड़ा सा तेल हम इसके ऊपर डालेंगे, चारों ओर फैलाएंगे और इस तरीके से आटे को चारों ओर से उठाकर इकट्ठा करके बंद करेंगे और उंगली से इसे चारों ओर से दबा लेंगे। पराठे हम गोल बना सकते हैं, तिकोनी बना सकते हैं, चौकोर बना सकते हैं, तो जैसे भी हमें पसंद हो पराठे बना लेंगे। ये हम गोल पराठे बना रहे हैं, तो ये हमने परत लगाकर पराठे में तैयार कर ली। अब हम इसे फिर से आटे में लपेटेंगे और पराठे को 5-6 इंच के व्यास में पतला बेलकर तैयार करेंगे। अब पराठे को बहुत ज़्यादा पतला नहीं बेलेंगे, हल्का सा मोटा रखेंगे। ये पराठा हमने बेलकर तैयार कर लिया। तवा गर्म हो गया है, तवे पर थोड़ा सा तेल डालेंगे, तवे को चिकना करेंगे। पराठे को सिकने के लिए तवे पर डालेंगे और नीचे की ओर से हल्का सा सिकने देंगे, और जब तक हमारा ये पराठा सिकता है, हम दूसरा पराठा बिल्कुल इसी तरीके से बेलकर तैयार करेंगे। पराठा ऊपर से थोड़ा सा डार्क हो गया है, पराठा नीचे की ओर से सिक गया है। हम पराठे को पलट देते हैं और दूसरी ओर भी पराठे को हल्की सी चित्ती आने तक सिकने देंगे। पराठा दूसरी ओर से भी हल्का सा सिक गया है, और पराठे के ऊपर इस तरीके से हम देख भी सकते हैं, वैसे हमें अंदाजा भी होता है कि 1 मिनट हो गया, पराठा नीचे से सिक गया है। ऊपर की ओर हम थोड़ा सा तेल डालेंगे
और पराठे पर चारों ओर फैलाएंगे। पराठे को पलट देंगे और इस तरफ भी थोड़ा सा तेल डालेंगे और चारों ओर फैलाएंगे। मीडियम आग पर पराठे को कलछी से इस तरीके से दबाकर दोनों ओर अच्छी ब्राउन चिट्टी आने तक सेकेंगे। पराठे पर दोनों ओर अच्छी ब्राउन चिट्टी आ गई है। पराठे को हम तवे से उतारकर प्लेट पर रखी प्याली पर रख देंगे या फिर पराठे को खाने वाले की थाली में डायरेक्ट परोसेंगे। पराठा अगर तवे से उतरकर खाने वाले की थाली में डायरेक्ट परोसा जाता है, बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है। और इसी तरीके से हम सारे पराठे बनाकर तैयार करेंगे। ये पराठा हम तिकोना बेल लेते हैं, लोई उसी तरीके से बनाएंगे, आटे में लपेटेंगे। और अब हम इस पराठे को 5-6 इंच के व्यास में पतला बेलेंगे और इसके ऊपर थोड़ा सा तेल डालेंगे और चारों ओर एक जैसा फैलाएंगे। पराठे को इस तरीके से आधा करते हुए पलट देंगे। अब थोड़ा सा तेल डालेंगे और फिर से पराठे को आधा मोड़ते हुए इस तरीके से मोड़कर तैयार करेंगे। थोड़ा सा हाथ से इसे दबा देंगे। ये हमारी त्रिभुजाकार लोई बनकर तैयार हो गई और इसे हम सूखे आटे में लपेटेंगे। और अब हम पराठे को हल्का सा मोटा तिकोने आकार में ही बेलकर तैयार करेंगे। ये पराठा हमने बेलकर तैयार कर लिया और सेकेंगे बिल्कुल उसी तरीके से। अगर हम चौकोर पराठे बनाना चाहते हैं तो लोई हम उसी तरीके से बनाएंगे। सूखे आटे में लपेटेंगे और 5-6 इंच के व्यास में पतला पराठा बेलकर तैयार करेंगे। ये हमने पराठा बेल लिया। इसके ऊपर हम थोड़ा सा तेल डालेंगे, चारों ओर फैलाएंगे और पराठे को चौकोर करने के लिए थोड़ा सा इस तरीके से मोड़ा, थोड़ा सा दूसरे तरफ से मोड़ लिया और इसके ऊपर फिर थोड़ा सा तेल लगा लिया और इसके बाद थोड़ा सा आगे से और थोड़ा सा पीछे की ओर से मोड़कर हमने ये चौकोर लोई तैयार कर ली। अब हम इसे सूखे आटे में लपेटेंगे और थोड़ा सा हल्का सा मोटा पराठा बेलकर तैयार करेंगे और शेप का ध्यान रखेंगे कि हम चौकोर बना रहे हैं तो इसकी शेप हमें चौकोर करते हुए ही बेलनी है। वैसे सबसे आसान तो गोल पराठे बेलना होता है, लेकिन ये भी ज़्यादा कठिन नहीं है। थोड़ी सी प्रैक्टिस करें तो आसानी से बेल जाता है। ये पराठा हमने बेलकर तैयार कर लिया, सेकेंगे बिल्कुल उसी तरीके से। ये सारे पराठे हमने सेक कर तैयार कर लिए और इतने आटे में हमने 8 पराठे बनाकर तैयार किए हैं। पालक के पराठे खाने के लिए तैयार हैं। हमने प्याली के ऊपर पराठा रखा था क्योंकि गर्मा गर्म पराठा अगर प्लेट पर डायरेक्ट डाल दें तो वो नीचे से सौगी हो जाता है। प्याली पर रखें, हवा लगती रहती है, पराठा हमारा क्रिस्पी बना रहता है। अब पराठे ठंडे हो गए, इनको हम प्लेट में रख सकते हैं। पालक के पराठे हमने गोल, तिकोने, चकोर 3 तरीके से बनाए हैं। गोल पराठे बहुत आसान है बेलना, लेकिन तिकोना और चौकोर थोड़ा सा शेप का ध्यान रखना होता है। लेकिन चौकोर पराठे और तिकोने पराठे में परतें ज़्यादा खिलती हैं और ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। वैसे तो सारे पराठे बहुत ही टेस्टी हैं, तो आप जैसे पराठे चाहें बना सकते हैं। और पालक के पराठे बनाना तो आसान है ही, लेकिन फिर भी अगर आप थोड़ा सा ध्यान रखें तो पराठे को और ज़्यादा स्वादिष्ट बना सकते हैं। जब आपने आटा लगाया है तो उसे 20-25 मिनट के लिए जरूर ढककर रखें ताकि आटा सेट हो जाता है, पराठे अच्छे तरीके से बेले जा सकते हैं। पराठा सेकते समय खास ध्यान रखना है। जब आप पराठे सेक रहे हैं तो गैस को पूरा अपने कंट्रोल में रखें। तवा जैसे ही आपको लगता है कि ज़्यादा गर्म हो रहा है, पराठा जल्दी सेक रहा है, गैस को तुरंत धीमा करें और पराठे को थोड़ा सा क्रिस्पी होने तक सेकें। और जैसे ही आपको लगता है कि नहीं, अब तवा ठंडा हो रहा है, पराठा देर में सिक रहा है,
तो गैस को तुरंत तेज करें। इस तरीके से पराठे बहुत ही स्वादिष्ट बनते हैं। पालक के पराठों को चटनी, दही, रायता, अचार या अपनी किसी भी मनपसंद ग्रेवी वाली सब्जी के साथ में परोस सकते हैं। तो आप ये पराठे बनाइए, खाइए और अपने अनुभव nishamadhulika.com पर शेयर कीजिए। एक बार फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।